वेलकम टू माई थर्ड व्लॉग। जैसा कि आप लोग मुझे जान ही गए होंगे, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं एशिया का लार्जेस्ट पार्क, वो है जरीश्वर पार्क। तो हम लोग चलते हैं जरीश्वर पार्क। तो अब हम लोग हैं रास्ते में, चलिए आप हमारे साथ चलते हैं जरीश्वर देखने, चलिए आइए। तो मम्मी और भाई तो मेरे पीछे हैं। अब हम लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं गोल चौक। गोल चौक पहुँच चुके हैं। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितनी सारी ट्रैफिक है, वाइट 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 से वाइट ही कार्स दिख रहे हैं मुझे अभी तक। तो चलिए अब चलते हैं। तो अब हम लोग हैं सिर्फ थोड़ा सा दूर जरीश्वर पार्क के। तो आप लोग ये देखिए, हम लोग पहुँच रहे हैं जरीश्वर पार्क। तो हम लोग को लेनी है टिकट, भाई। अब यहाँ पे एंट्री लेने के लेना पड़ता है टिकट, वो ले रही है मेरी मम्मी। अब ये देखिए, हम मम्मी टिकट ले रही हैं। तो आइए आपको गेट ही दिखा देते हैं। ये गेट नंबर एक है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे पॉपकॉर्न। कर चुके हैं हम लोग एंट्री जरीश्वर पार्क के अंदर। देखिए, हाँ ये मैंने पॉपकॉर्न लिया है मछलियों खिलाने के लिए। आइए आप लोग को मछलियाँ भी दिखाते हैं। तो हम लोग एंट्री कर चुके थे जरीश्वर पार्क। तो अब ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पे नज़ारा लग रहा है। मतलब यहाँ इतना बड़ा पार्क है ना कि आप लोग एक दिन में ना घूम भी नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट डे कभी आऊँगी तो नेक्स्ट डे दिखाऊँगी आपको। तो अभी तो जितना देख पा रहे उतना ही देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी आपको अच्छे दिखाते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं फिश के पास, फिशेस के पास जा रहे हैं। अब उनको हम लोग, उनके लिए हमने पॉपकॉर्न लिया है, तो अब उनके हम लोग पॉपकॉर्न खिलाएंगे। तो फिशेस के पास जाके दिखाते हैं। वो फाउंटेन दिख रहा है आपको? चलिए हम आप लोगों को वो फाउंटेन दिखाते हैं। बहुत प्यारा लगता है वहाँ पे। रात लू जाती है ना तो बहुत सारी लाइट चलती हैं। अभी रात तो हुई नहीं है, अभी दोपहर हो रही है। तो चलिए चलते हैं, आइए अब हम आपको दिखाते हैं। चलिए आइए, प्यारा है ना। आप लोग देख ही रहे हैं ये पानी कितना सारा आ रहा है। अब मैं इसके अगर आगे कहीं ना मैं भीग जाऊंगी तो मैं आगे नहीं जा रही हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं उनके पास जिनके नाम पे ये पार्क बना है। तो मैं भी आपको यहाँ से दिख रहे होंगे वो पीछे बैक साइड। तो हम लोग उधर जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, पता नहीं कौन से स्कूल के बच्चे आए हैं, फ़ोटो सेशन कर आ रहे हैं। पिकनिक के लिए आए थे, फिर फोटो सेशन। अरे मेरा ध्यान तो थोड़ा सा कहीं इधर जा रहा है। वो स्टैचू पे आपको कुछ दिख रहा है? आपको यहाँ का व्यू दिखाती, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, ये देखिए। सॉरी मैं आपको बैक करके दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत प्यार। यहाँ पे आपको शायद बर्ड्स की आवाज़ आ रही होगी चर्पिंग की, बहुत प्यारी है। मतलब बहुत प्यारा है यहाँ का बीच। हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये खाना मम्मी मछलियों के लिए लिया है। और मम्मी बैठ के खा भी रही है, आपको मुझे भी खिला रही हूँ मछलियों का खाना। तो इन्हें खा रहे थे थोड़ा सा, तो बच जाएगा उनके लिए। चलिए अब हम लोग जा रहे हैं मछलियों के पास, एकदम फाइनली मछलियों के पास ही जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजिंग हो गया है। वाह, यहाँ पे ये क्या लग गया है फोटोशूट के लिए, कितना प्यारा सा वो लगा है। मे भी आपको वो देखे, ये अभी जाके वहाँ आपको दिखाते हैं हम लोग। मैं जा रही थी आप लोग को फिशेस दिखाने, लेकिन मैंने यहाँ नोटिस करा है कि यहाँ पे बंद कर दिया गया है दिखाने के लिए। तो यहाँ पे तो गार्ड लग गए हैं। चलिए थोड़ी सी स्पेस आपको मिल जाएगी दिखाने के लिए, चलिए हम लोग वहाँ से देखने चलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं मछलियों खाना खिलाने, जो अभी हम लोग खा रहे थे। चलिए मिल गया मुझे स्पेस। अब देखिए ये खा रही है मछलियाँ खाना, कितनी प्यारी लग रही है ना। ये येलो वाली ना मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे तो अभी कम है, उस साइड में दिखाती ना तो बहुत सारी हैं, लेकिन उस साइड थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ थी इसलिए मैं वहाँ गई नहीं। कितनी प्यारी है ना। हेलो गाइस, तो अभी आप देख सकते हैं मैंने खूब सारा मछलियों खिला दिया, उनका पेट गया है भर। तो अब ये बचा हुआ है तो मैं सोची मैं ही खा लूँ। अभी कितनी प्यारी फैमिली बच्चे को खिला रही है। अरे पीछे देखिए, वहाँ प्री वेडिंग शूट चल रही है और उसके पीछे देखिए रील्स बन रही है। देखिए कितना प्यारा सनसेट है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं देखिए बोट कितनी प्यारी से उड़ते हुए जा रही है। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं झूले के पास। मतलब बहुत अच्छी जगह है, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना तो मुझे कोई झूले नहीं देता है। फिर भी चलिए आप लोग को दिखा देती हूँ मैं। आप लोग को एक बात याद है, हम लोग बचपन में इस वाले पौधे को क्या समझते थे? विद्यालय पौधा, कि जब वो कॉपी में रख लेंगे तो लगेगा कि हम लोग का दिमाग तेज़ हो गया है। बस थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं झूले के पास। अब हम लोग पहुँच गए हैं पार्क में। आई हाँ,
यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कितने सारे झूले, कितने बच्चे आए, पता है संडे है ना तो मतलब सारे बच्चे आए, सब लोग अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ। मैं इतने दूर से झूला ढूंढ रही थी, फाइनली मुझे मिल गया, लेकिन बच्चों के साथ मिला, मैंने झूल लिया, मुझे अच्छा लग रहा था। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतना स्माइल क्यों कर रही हूँ, बच्चों के साथ बैठने पे थोड़े अजीब लग रहा, लेकिन अब क्या चल रहा है झूला झूलने का मज़ा। तो मुझे फिर उसके बाद स्लाइड ये स्विंग वाला भी मिल गया, तो मेरे को मम्मी झूला रही थी क्योंकि थोड़े पैर नहीं पहुँच रहे थे मेरे, ज़्यादा बच्चों ने झूल झूल के गड्ढा कर दिया था नीचे ना, इसीलिए मज़ा आया मुझे झूला झूलने में बहुत ज़्यादा। यहाँ पे लोग पूरे एकदम टायर्ड होने के बाद आते हैं रेस्ट करने। ये है अपनी रात, उनसे पाकर लोगों को पूरा तो घूमने का, तो ये इतना बड़ा है। अब हम लोग जा रहे हैं घर, मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ के रखा है, मैंने मम्मी का हाथ, हम दोनों पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कर रहे हैं। ये देखिए नाइट व्यू कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, मतलब बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम लोग निकल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, वही गेट नंबर 1 से ही कर रहे हैं। चलिए निकल गए हम लोग बाहर। बाहर जाते जाते एक इंसिडेंट हो गया, अभी यह आंटी रो रही थी, पता नहीं क्या हुआ था, इनको हेल्प करने आए थे, हम लोग ली नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ गए, चलिए उनको छोड़िए। हेलो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं घर, तो गुड नाइट, बाय। और हाँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड नाइट।